दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ किशन। आज आया हूं पोर्ट ऑफ स्कागवे, अलास्का के एक और अच्छे से पोर्ट। मेरे पीछे देख सकते हैं पहाड़ों पे बर्फ़ है। सी मेरे शिप के पास में खड़ा हूं और पीछे पहाड़ है। और इस पोर्ट का आज मैं वीडियो बनाने आया हूं, तो देखते हैं यहां क्या क्या है और क्या कुछ देखने के लिए है जो मैं आपको दिखा पाऊँ। मेरे जस्ट पास में एक यहाँ पहाड़ है, आपको दिखा। ये देखें, बर्फ है। इस मौसम में बर्फ़ पिघलती है, इनका गर्मी का मौसम है। और जस्ट पीछे मेरे है मेरा, आप देख सकते हैं। और अब हम आगे जा रहा हूँ, आगे चलते हैं सॉरी, और आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है यहाँ पे। तो चलते हैं। यहाँ बैक साइड में ऐसे है, जस्ट शिप से निकलने के बाद, इनका शिप से जो पोर्ट से बाहर निकलते हैं। ये पोर्ट थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि कुछ कार्गो टाइप का है। यहाँ कंटेनर वगैरह है और आई थिंक मे बी यहाँ शटल बस भी हो हमारे घूमने के लिए। तो देखते हैं। और ये जो पानी है आपको यहाँ से दिख रहा है, इसके अंदर से ये पानी आता है झरनों से। ऊपर पानी के जो झरने होते हैं वो नीचे गिरते, तो उधर से ये निकालते हैं इसको एक जगह से। तो बाकी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो अब मैं यहाँ आ गया हूँ पोर्ट से निकल के, अब यहाँ पहुँचे हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन सेंटर है, कुछ वेटिंग एरियाज है। और ये देखो प्यारी सी बस यहाँ की, स्कागवे अलास्का स्ट्रीट कार टूर के नाम से बस है। और आगे आप पूरा व्यू देखिए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ करीबन मैं कुछ 4-5 साल पहले आया था और बहुत पहले की बातें हैं। देखते हैं अभी कितना कुछ बदल गया यहाँ पर, क्या अपडेट हुआ है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर। यह अलास्का टोटली डिफरेंट है अदर एरियाज से। तो चलते हैं। और ये देखिए क्या प्यारा व्यू है, गार्डन है और पीछे पहाड़ है और पीछे ट्रेन भी है। यहाँ इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, आई मीन कुछ माल आता है जो यहाँ पर, उसके लिए और कुछ घूमने के लिए यहाँ ट्रेन बनाई है। और ऐसी वीडियो को देखते हुए आप इतनी देर मेरी वीडियो को देखते हैं, उसके लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप और नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं ताकि आप जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप मेरी देख पाएँ जल्दी, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यहाँ काफ़ी चीज़ें और भी है, देख सकते हैं यहाँ वेलकम टू स्कागवे अलास्का के नाम से लिखा हुआ है। और हिस्ट्री अबाउट है इसके बारे में, ये अपनी अपने इंडिया की तरह यहाँ पर रश नहीं रहता इतना। सिर्फ यहाँ अब धूप निकल रहे, ऐसे लगता है कि गर्मी का मौसम है, लेकिन यहाँ हमारे जैसे लोगों के लिए तो सर्दी है। ये एक ट्रेन का इंजन है जो आइस ब्रेक के ब्रेकिंग के यूज़ आता है। बहुत पुराने लग रहे हैं। ये देखिए एक और ये देखिए पास से वो ट्रेन। लेक सरप्राइज के नाम से इस पर एक हर बोगी पे लिखा हुआ है, एक लेक पेंसोन के लिखा हुआ है। ये इनका टाउन है यहाँ पे। जिसमें कुछ शॉप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, में कुछ ज्वेलरी शॉप हैं, क्लॉथ शॉप्स भी हैं यहाँ पर, विजिटर सेंटर।
रेड ओडियन सैलून के नाम से, ऊपर सैलून है, नीचे आइजिंग रेस्टोरेंट है, और ये देखिए मिस्टर सिंस 1910। प्यारी बिल्डिंग लग रही है, अच्छा बनाया इन्होंने वुड का यूज करके। एक गोल्डन नॉर्थ होटल है, कितनी चीज़ें यहाँ देखने के लिए। बट मुझे पहली बार अलास्का में कोई ऐसे पोर्ट पे आके फील हुआ है कि जहाँ थोड़ा वेदर हॉट है, बट हम अभी शिप पे थे जब तो मुझे कोल्ड लग रहा था, और जैसे अब धूप में आ रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा वेदर हॉट है बिकॉज धूप की वजह से। और लोग यहाँ बाहर है उसमें भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये सब वेरी फाइन डिजाइन की चीजें हैं। दोस्तों जस्ट मैं अभी एक अपने इंडियन मिस्टर संजय से मिला हूँ, इंडियन फ्रेंड मिले मुझे यहाँ पर जस्ट, तो वो यहाँ अभी लास्ट 2-3 मंथ से यहाँ रहने आए हैं और एक शॉप पे काम कर रहे हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि वो पोर्टो रिको से में रहते हैं और फिर यहाँ आके जॉब कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए प्यारा सा डॉग है, और यहाँ लोग कल्चर है पता नहीं, डॉग को बात ज़्यादा पसंद करते हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी और कई फ़ोटोज़ वगैरह में भी, तो ये लोग डॉग को ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने साथ रखते हैं, और ये शोबाजी भी करते हैं। सही होता हूँ तो कि मैंने कई पोर्ट पे देखा है कि लोग अपने डॉग को लेके बाहर घूमते हैं, जैसे नॉर्मली हम अपने डॉग को आसपास ही घुमाते हैं, ये लोग जहाँ पर गेस्ट एरिया जहाँ शिप वगैरह आ रहे हैं वहाँ लेके घुमाते हैं जो पॉपुलर। तो यहाँ मैंने अभी जैसे उनसे पता किया कि यहाँ क्या क्या चीज़ें, तो उन्होंने बोला यहाँ पर मोस्टली शॉप्स हैं, और यहाँ करीबन इस टाइम अभी 2200 लोग यहाँ रहते हैं, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा जो सर्दियों में यहाँ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ सर्दियों में यहाँ 700 लोग ही रहते हैं, बाकी सब अपने यहाँ से चले जाते हैं, तो मोस्टली लोग यहाँ जॉब के लिए आते हैं, और यहाँ रेस्टोरेंट्स में शॉप्स में जॉब करते हैं, तो वेरी नाइस प्लेस है। थोड़ा काम है, आप ज़्यादा बिजी नहीं है, नॉर्मल है, तो पीछे पहाड़, मौसम इतना अच्छा और धूप सनी वेदर है, तो सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, तो थोड़ा और मैं घूम लेता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊँगा और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कुछ मुझे अच्छा मिलता है अपने लायक या आपको दिखाने लायक। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरा चैनल का नाम है सीमेंस लाइफ 123, और इस पर हर जगह की फोटो मैं डालते रहता हूँ, और मैं अभी जल्द ही मैंने पिछली वीडियो या आने वाली वीडियो में मेरे एक सालमन वेल वॉचिंग के लिए गया था मैं, वो वीडियोस भी हैं, वो भी जरूर देखना, आपको अच्छा लगेगा कि मैं एक रियल, आप टीवी में जो देखते हैं वो अलग है और जो रियल में जो हम देखते हैं मैं आपको वो दिखाऊंगा जो टीवी में हम दिखा नहीं दिखाते, कितना देर वेटिंग करते हैं हम लोग जब सालमन के लिए। तो अभी के लिए इतना ही,
तो बने रहे मेरे साथ, नई वीडियोस में आए देखे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कोई कमेंट तो वो जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।